हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मायसेल्फ सा अनिता उमेश कुमार फ्रॉम परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सारसा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 चित्र के संग संग। टॉपिक्स कवर पाठ की समझ। इकाई 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ। बच्चों कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब मजे में होंगे। गर्मी की छुट्टियां कैसे गई? आप सब ने इस छुट्टियां में तो बहुत ही एंजॉय किया होगा, है ना? तो चलो अब टाइम ऑफ स्टडी। बच्चों अब हमारी पाठशाला का नया सत्र शुरू हो चुका है, तो चलो आज मैं आपको हिंदी विषय का चैप्टर 1 जो एक चित्र पाठ है वह पढ़ाऊंगी। तो चलो बच्चों आप सभी लोग अपनी हिंदी की किताब निकालिए और हमारा प्रथम सत्र का जो फर्स्ट चैप्टर है चित्र के संग संग जो एक चित्र पाठ है। बच्चों चित्र पाठ का मतलब होता है कि चित्र के माध्यम से कहानी का ज्ञान देना, चित्र के माध्यम से कहानी को समझना। इस चित्र पाठ का नाम है चित्र के संग संग, अर्थात चित्र के साथ साथ हमें चित्र के साथ साथ चलना है और उसे समझना है। हमें इस पाठ में 2 चित्र दिए गए हैं और इस दोनों चित्र का अवलोकन करके हमें इसके माध्यम से पाठ को समझना है। जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं इस चित्र के माध्यम से ही हमको इसके उत्तर भी लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि रोड पर कौन कौन से यातायात के साधन जा रहे हैं। अब आपको यातायात का साधन यानी जो 2 पहिए वाला, 3 पहिए वाला, 4 पहिए वाला, 6, 8 जो पहिए वाला जो साधन होता है जो मनुष्य को या माल सामान की हेर फेर करता है उसे यातायात का साधन कहते हैं। जा रहे हैं बाइक यानी मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा इसके पीछे जा रही है। इसके पीछे 2 कारें भी जा रही है। अब इस चित्र को देखिए। सड़क के इस पार जो फुटपाथ है इस पर एक साइकिल वाला अपनी साइकिल की टायर में हवा भर रहा है। उसके पास एक गुब्बारे वाला है जो अपना गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है। उसके पास रंग बिरंगी गुब्बारे हैं जो अभी हवा में उड़ रहे हैं। एक कुजड़िन टोकरी में सब्जियां लेकर इन्हें बेचने जा रही है। कुजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली स्त्री, वो इस वक्त अपनी सब्जियां बेचने के लिए जा रही है। फुटपाथ पर एक कुत्ता लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। साइकिल वाले की दुकान के पास एक डंडा है, डंडा अर्थात खंभा, जिस पर एक तोता बैठा हुआ है। देखो बच्चों सड़क के इस पार फुटपाथ पे हमने देखा कि क्या क्या हो रहा था। अब हम देखेंगे कि सड़क जो दिखाई दे रही है
जिस पर एक बाइक जा रही है। इसके पीछे एक रिक्शा भी जा रही है और रिक्शे के पीछे दो कारें जा रही हैं। अब सड़क के इस पार फुटपाथ का दृश्य है जिसमें एक मोची बैठा हुआ है और जो अपने औजार लेकर किसी ग्राहक का इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला चित्र देखा। चित्र के संग संग चैप्टर में जो पहला चित्र है उसमें हो रही जो क्रिया है वह हमने वन बाय वन देखी। हमने देखा कि कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। अब बच्चों, हमें यह चित्र देखकर उसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो उसका पहला प्रश्न है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो बच्चों, उसका जवाब है जो हमने देखा आगे वही उसके जवाब है। उसका जवाब है कि पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। एक साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुजड़ी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता जो रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है और रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे दो कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद किसी ग्राहक की राह देख रहा है। उसके बाद का जो दूसरा क्वेश्चन है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। बच्चों, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे होते हैं? यस, उसका आंसर है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। क्वेश्चन 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। उसका उत्तर है जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। कड़ा यानी ठोस, जिसे मजबूत भी कहते हैं, सख्त कहते हैं। उस तरह जिस तरह टायर में हवा भरने से टायर मजबूत बनता है, कड़क बनता है और टायर के कड़ा होने से साइकिल ठीक से चलती है। क्वेश्चन 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। बच्चों, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर इसलिए लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर इसलिए लेट गया है कि शायद उसे भूख लगी होगी और आज उसे कहीं से रोटी नहीं मिली होगी। क्वेश्चन 5, कुजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। उसका उत्तर है कुजड़ी सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। क्वेश्चन 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। उसका जवाब है रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को शायद आज दूसरी सवारी नहीं मिली होगी।
डियर स्टूडेंट्स, हमने चित्र पाठ का पहला चित्र देखा और इसमें जो जो क्रियाएं हो रही थी वो हमने देखा। अब आपके सामने जो चित्र है वह चित्र पाठ का दूसरा चित्र है। बच्चों, ध्यान से देखो, जो चित्र आपने पहले देखा था ये वही चित्र है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि चित्र पहले चित्र में होने वाली जो क्रिया है इस चित्र में बिल्कुल बदल गई है। देखो, अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? साइकिल का टायर तो ज़्यादा हवा भरने से फट गया। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि टायर में ज़्यादा हवा भरने के कारण वह फट जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ। टायर में हवा भरने वाला आदमी टायर के फटने से गिर पड़ा। जो आदमी टायर में हवा भर रहा था सबसे पहले वह टायर के फटने से वही गिर पड़ा। कुजड़िन कि जो वहाँ से सब्जी बेचने के लिए जा रही थी, टायर फटने के कारण वह चौक गई और उसकी टोकरी गिर गई और सारी सब्जियाँ जमीन पर इधर उधर बिखर गई। बच्चों, अब गुब्बारे वाले की हालत देखो। जो गुब्बारे बेचने जा रहा था उसके हाथों में से तो टायर फटने के कारण उसके हाथों में से तो लकड़ी गिर गई और जो सारे गुब्बारे थे हवा में उड़ने लगे। कुत्ता बेचारा जो कब से आराम कर रहा था फुटपाथ पर लेटा हुआ था, वह भी टायर की फटने की आवाज़ के कारण डरकर भागने लगा। फुटपाथ पर एक मोची बैठा हुआ था, वो भी टायर फटने की आवाज़ के कारण घबरा गया और उसका जो सामान है वह भी इधर उधर बिखर गया। अब तक आपने देखा कि फुटपाथ पर जो लोग बैठे हुए थे और गुजर रहे थे टायर फटने की आवाज़ के कारण उन पर कुछ न कुछ असर हुआ। अब यह जो सड़क है जो फुटपाथ के सामने से जा रही थी, टायर फटने से सड़क पर जा रहे इस यातायात के साधन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। अब देखो, जो लोग सड़क से जा रहे थे, ये बेचारा रिक्शा वाला, देखिए देखिए, ये तो अपनी गति से रिक्शा चला रहा था, लेकिन जैसे ही टायर फटा बाइक वाले ने जोर से ब्रेक लगाई और रिक्शा बाइक से टकरा गई। तो बच्चों देखा, सिर्फ एक टायर के फटने से सही में क्या से क्या हो गया। पहले चित्र में जो क्रियाएं हो रही थी दूसरे चित्र में उससे बिल्कुल विपरीत क्रियाएं हो गई। दोनों चित्र में यही भेद दिखाई देता है। यह किसके कारण हुआ? तो यह सिर्फ एक टायर फटने के कारण हुआ। बच्चों, हमने यह दोनों चित्र देखे। अब हमें इस चित्र के आधार पर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, हमने चित्र का अवलोकन किया। अवलोकन करना यानि ध्यान से देखना। हमने उसका पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ।
हमने देखा कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ, वो हमने वन बाय वन देखा। अब उसके आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। टायर फटने पर क्या क्या हुआ, उसका उत्तर है, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुजड़िन की जो बेचारी सब्जियां बेचने जा रही थी, उसके सिर पर जो टोकरी थी वह गिर गई और सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। थ्री, जो डंडे पर तोता बैठा था वह भी डर के मारे उड़ने लगा। फोर, गुब्बारे वाले के लकड़ी से बंधे हुए सारे गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। फाइव, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। सिक्स, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। उसका क्वेश्चन टू है, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें, गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मूनवॉकर। बच्चों, कभी कभी आपने, हम जो अपने रसोई घर में जो गैस का बॉटल होता है वह भी फटते हुए हमने देखा है, तो वह भी कभी कभी फट सकता है। क्वेश्चन थ्री, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। उसका उत्तर है, रिक्शे वाला बाइक वाले से टकराया क्योंकि बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था इसलिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि फुटपाथ पर टायर फटने के कारण बाइक वाले का ध्यान उस तरफ गया और वह रिक्शे वाले से टकरा गया। क्वेश्चन फोर, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। उसका उत्तर है, टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कार और मकानों पर नहीं पड़ा। क्वेश्चन फाइव, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। उसका उत्तर है, टायर फटने की आवाज़ से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। बच्चों, जिस तरह हमने पहले और दूसरे चित्र को देखकर उसके प्रश्नों के उत्तर देखे और समझे, अब स्वाध्याय के भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो भी हम समझेंगे और उसके बाद अपनी नोटबुक में उसे अच्छी तरह से अच्छे अक्षरों में लिखेंगे। प्रश्न एक, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला चित्र है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। उसका उत्तर है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने वाला रबर, रबर बैंड आदि। क्वेश्चन टू, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। उसका उत्तर है, टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुजड़ी जो बेचारी सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद किसी ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। क्वेश्चन थ्री, टायर क्यों फटा। उसका उत्तर है, शायद टायर पुराना था और इसलिए उसमें अधिक हवा भर जाने के कारण वह फट गया। क्वेश्चन फोर, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। उसका उत्तर है, बच्चों इसका जवाब हमने आगे देखा कि टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा,
कुजड़िन के सिर पर रखी हुई टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबरा कर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग अलग होकर हवा में उड़ने लगे और बेचारे मोची का तो सामान इधर उधर बिखर गया और साथ में लेटा हुआ कुत्ता भी डरकर भागने लगा। उसका स्वाध्याय का क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। बच्चों, परिच्छेद यानी पैराग्राफ, जो निम्नलिखित परिच्छेद है, आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़कर उसे पढ़ना है और उसका सुलेखन करना है। सुलेखन यानी उसे अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिखना है। जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसे पढ़कर उसे अच्छे अक्षरों में जैसा है वैसा ही अपनी नोटबुक में लिखना है। यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ एज इट इज इन योर नोटबुक विद अ नाइस हैंड राइटिंग। बच्चों, ये चित्र पाठ है इसलिए इसमें कई चित्र दिए गए हैं और इसके आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर देखे और समझे। अब यह जो चित्र दिया गया है उसको भी हमें देखना है और दोनों में क्या क्या अंतर है उसे ढूंढना है और अपनी अपनी नोटबुक में लिखना है। आप देख सकते हो कि आपके सामने बतख के एक समान दिखने वाले दो चित्र हैं, पर बच्चों ध्यान से देखें, इस चित्र में भी कई अंतर है जिसे आपको ढूंढना है और उसका उत्तर लिखना है। देखो, पहले चित्र में सूरज की किरणें कम दिखाई दे रही है और दूसरे चित्र में किरणें ज़्यादा दिखाई दे रही है। छोड़ पर बैठा जो पक्षी है उसकी पूंछ नहीं है, जबकि दूसरे चित्र में पक्षी की पूंछ दिखाई दे रही है। चित्र 1, पहले चित्र में बतख की चोंच छोटी है जबकि दूसरे चित्र में बतख की चोंच बड़ी है। पहले चित्र में कमल का फूल छोटा है जबकि दूसरे चित्र में कमल का फूल बड़ा है। पहले चित्र में दोनों मछलियाँ एक तरफ तैर रही है जबकि दूसरे चित्र में एक मछली इधर से आ रही है तो दूसरी मछली सामने जा रही है। पहले चित्र में फूल खिला हुआ है जबकि दूसरे चित्र में फूल खिला हुआ नहीं है, एक कली है। बच्चों, इस तरह हमने पहले और दूसरे चित्र के जो भेद हैं, जो अंतर है, वो ढूंढ निकाले हैं। आपको यह अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बच्चों, अब तक हमने जो प्रश्न के उत्तर समझे, दोनों चित्र और उसका फर्क समझा, बच्चों आपको यह जो प्रश्न के उत्तर है वह आपको अपनी अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने हैं। मुझे आशा है कि आज का पढ़ाया हुआ यह चैप्टर चित्र के संग संग वह आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।